नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक गुप्ता, और जैसा मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी मेरे पास लोग कॉल करते हैं फॉर कंसल्टिंग, और मुझे लगता है कि वो चीज़ ऐसी है जो आप सबके काम आएगी, तो फिर मैं उसमें वीडियो बना देता हूँ। शायद उस इंसान को बुरा लगता होगा जिसने स्पेशली 2500 रुपये दिए, पर कोई बात नहीं, उनके साथ एक वन टू वन बात होती है, आपको एक मैं कॉमन ज्ञान दे रहा हूँ। तो जनरली वही देखिए, मोस्टली जब आप लोगों ने नीट लिया था, आई डोंट थिंक किसी का सपना था BDS करना या BAMS करना या BHMS करना या अब्रॉड जाके MBBS करना, रशिया किर्गिस्तान, ठीक है ना। मतलब सबका सपना तो ये होता है कि हिंदुस्तान का कॉलेज मिले, हिंदुस्तान का सरकारी कॉलेज मिल जाए बिकॉज ऑफ फी स्ट्रक्चर, और हमारा काम इंडिया में हो जाए। लेकिन जब हमें इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, और बजट इज़ द ओनली इशू, राइट। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं BAMS इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, बट आई कैन सी ए ग्रेट करियर इन BAMS, तो लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। तो MBBS इंडिया, MBBS अब्रॉड, और अब्रॉड में प्लीज़ डोंट काउंट UK, कैनेडा एक्सेट्रा, लेट अस काउंट रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान टाइप ऑफ कंट्रीज। तो फिर अपना आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी तीन आते हैं, और अपना कहता हूँ ओल्ड एंड गोल्ड BDS। तो भाई साहब ने ये सवाल पूछा कि सर हमारा MBBS नहीं हो पा रहा और प्राइवेट का बजट नहीं है, तो इन तीनों में से क्या करें। अरे बहुत ही सटीक स्पेसिफिक मैंने जवाब दिया। जैसा कि मैंने कहा, तीनों कोर्स ही एक तरह से ऑल्टरनेट कोर्स हैं, राइट, फॉर द MBBS। और वो MBBS अब्रॉड नहीं जा पा रहे क्योंकि ठीक है, आप बच्चे को 6 साल के लिए अपने से इतना दूर किसी फॉरेन कंट्री में नहीं भेजना चाहते, तो इस वीडियो में उस पर बहस नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे मोटा मोटी BDS वर्सेस ये जो आयुर्वेदिक होम्योपैथी स्पेशलाइजेशन हो गई। बहुत सिंपल बात है, देखिए, एज ए BHMS डॉक्टर यू आर प्रैक्टिकली कॉम्पीटिंग विद द MBBS MD, राइट। तो बेसिकली आपका पेशेंट स्केल सेम है, यू आर लुकिंग फॉर द सेम पेशेंट जिसको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, दर्द हो रहा है, और फिर हम कह सकते हैं कोई लंबी बीमारी हो गई है, और देन यू नो कि जनरली लोग किस पेशेंट, किस डॉक्टर के पास जाते हैं। पीपल जनरली प्रीफर एलोपैथी ट्रीटमेंट, वो क्विक रिलीफ देता है, बट देर आर मैनी फैमिलीज फ्रॉम गुड फिनेंशियल बैकग्राउंड जो अफोर्ड कर सकते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट, फिर भी वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पे जाते हैं, स्पेशली छोटे एरियाओं में, हल्के एरियाओं में, गांव साइड पे, जहाँ पर MBBS MD जाना पसंद नहीं करते, वहाँ पर ये लोग अच्छे चल जाते हैं। और फिर कुछ गवर्नमेंट प्रमोट करती है, साथ में कुछ लंबी बीमारियाँ, किसी की स्किन में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ ऐसा है, तो आपका कहते हैं कि भाई आयुर्वेदिक होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है इस चीज़ का, वो 6 महीने साल हम उसकी दवाई खाते रहते हैं, राइट। तो ये एक, लेकिन BDS एक डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। तो BDS जो काम करता है जनरली वो MBBS, BAMS, BOMS नहीं करते, राइट। वो बेसिकली आपके दांतों को ठीक कर रहा है, जो कि वही करेगा, तो उसका कंपटीशन शायद सड़क के कोने बैठे लोगों से होता है जो सस्ते में आपका दांत निकाल रहे होते हैं। मैंने कई बार देखा है ऐसे सड़क किनारे लोग बैठे होते हैं। तो BDS की उस सेंस में ना कोई कंपटीशन नहीं है, वो एक अपने आप में एक अलग डिग्री है जिसका अलग करियर है। ऑफ कोर्स मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत साल पहले, और तभी मैंने कहा था कि दोनों करियर में कोई समानता नहीं है बिल्कुल। MBBS की मैं बात करूँ तो MBBS करके जितना आप कमा सकते हैं, इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियली, वो BDS करके तो शायद इम्पॉसिबल ही है। हाँ, BDS करके आप MDS कर लेते हैं तो फिर भी आप शायद महीने के 2-2.5 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं, पर यूजुअली BDS करके जो आपकी अपर लिमिट रहेगी इनकम की, 50,000 से 75,000 रुपये रहेगी, अल्लाह संडिल अब इतने शानदार BDS बन जाए कि आपका वर्ड ऑफ माउथ फैल जाए और फिर लोग आपको ढूंढते हुए आए, वो भी पॉसिबल है। क्योंकि वैसे ही हाथ का काम होता है, तो आपको, आप खुद ही बिजी हो जाते हो जो भी बंदा कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको अच्छा काम आता है, आप अच्छे कॉलेज में चले गए, तो डेफिनेटली आप 75,000 से 1 लाख रुपये महीना कमाने के बन सकते हो। बट उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही कोर्स में BDS, BAMS, BAMS में, BHMS में ओवर सप्लाई है, क्योंकि तीनों के बहुत सारे कॉलेज हैं स्पेशली प्राइवेट, जो कि बिल्कुल 2-2.5 लाख पर ईयर में आपको पढ़ा रहे हैं, विच मीन्स वही जो अफोर्डेबिलिटी की वजह से जब हम MBBS प्राइवेट नहीं कर पाए, तो पिछले 15 साल में बहुत लोगों ने वही 2 लाख पर ईयर प्लस हॉस्टल मिला के 12 से 15 लाख के पूरे पैकेज में ये तीनों डिग्रियाँ ले ली, या BDS या BAMS या BHMS, विजाविस MBBS जिसकी एक्चुअल शॉर्टेज है। तो इन तीनों के आपको ना बंदे बहुत मिलेंगे, विच मीन्स BDS का जैसे दूसरे से कॉम्पिटिशन नहीं है पर आपस में तो है। तो जो लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को पसंद भी करते हैं, उसके फ़ैन भी हैं, वहाँ जाने को भी तैयार हैं, बट वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी तो बहुत सारे हो गए हैं ना, होम्योपैथी डॉक्टर्स भी बहुत सारे हो गए और BDS भी बहुत सारे हो गए हैं। तो विजाविस MBBS तो अभी भी बहुत सारे नहीं हैं एज़ पर द डिमांड। तो अब आपको हैव टू बी बेटर,
तो शायद MBBS में हमेशा कहता हूँ कि अब ठीक है, अब नेक्स्ट का ज़माना आ गया तो आप थकेले कॉलेज में नहीं जा सकते, बट बिफोर द नेक्स्ट, और अब आज भी आप थके कॉलेज में जाके एवरेज डॉक्टर बन के आप बस नेक्स्ट पास कर लोगे तो भी आप एक लाख सवा डेढ़ लाख रुपये महीने के इंसान बहुत जल्दी बन जाते हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि जिनको एलोपैथिक दवाई चाहिए वो आपके पास आएंगे ही आएंगे, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन है, मतलब BDS तो ऐसे फैले हुए पूछो मत, सो इस आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक, तो इसमें आपके अंदर कमाने की कला होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेशली कि BDS भी चार तरह के बनते हैं, एक होता है या तीन तरह के मोटा मोटी, एक चार तरह के एक्चुअली आप इसलिए बनते हो कि आपके फादर का फोर फादर्स का एक चलता हुआ क्लिनिक है, आपका कैरियर सेट हो जाएगा। दूसरा आपके पास सरकारी नौकरी का जुगाड़ है, इन तीनों केसेस में वो तीनों में चलता है। तीसरा आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं, क्योंकि देखिए BDS में अगर आप एक नॉर्मल कॉम्पिटिशन देखेंगे तो प्राइसेस वेरी लो है ट्रीटमेंट के, उसमें तो आप 75,000 भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो आपके पास पेशेंट आएगा 500 वाला इलाज कराने और आप उसका बिल 5,000 का बना दोगे तो आप कमा लोगे, पर अगर आपके पास तीनों ये चीज़ें नहीं है तो फिर शायद आप BDS करके भी स्ट्रगल करोगे। सो वुड बी द केस ऑफ आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ऑल्सो। बट अगर फिर से कमिंग बैक कि हम इन तीनों में बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि उस डॉक्टर में आप MBBS से कॉम्पीट कर रहे हो बट स्टिल यू आर अ फुल फ्लेश डॉक्टर और आप लोगों को पूरा ट्रीटमेंट करते हो, और आप अगर एक स्मार्ट डॉक्टर हो, इंटेलिजेंट डॉक्टर हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। BDS हमेशा दांत ही ठीक करेगा ना, उसके पास कोई पेन के लिए या किडनी ट्रीटमेंट के लिए तो आएगा नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत आसान है BDS में, एक छोटा सा क्लिनिक आप खोल सकते हो 150 फीट का, जिसमें एक डेंटल चेयर लगा के आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, और अगर आपको कमाना आता है तो आप कमा भी लोगे। एंड इट इज़ स्टिल एलोपैथी ट्रीटमेंट, राइट? तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हो तो कहते हो शाहरुख खान के भी अगर दांतों में तकलीफ होगी, या ऋतिक रोशन के, या अमिताभ बच्चन के, या नरेंद्र मोदी जी के, तो भी तो BDS MDS के पास ही जाएंगे ना। तो अगर आप उतने अच्छे डॉक्टर बन जाते हो तो यू विल बी ऑल्सो ट्रीटिंग द वे MBBS MD इज डूइंग इट, तो आपका सर्कल सेम रहता है। वैसे भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में आपका सर्कल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, आई होप कि आपको हेल्प होगी, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो उस कन्फ्यूजन में समय होंगे उनका समाधान मिले। डेफिनेटली सबसे बेटर MBBS अब्रॉड है, MBBS MBBS है, बट अगर आप अफोर्ड कर पाएँ वो तो 30 लाख रुपये में हो जाता है, एंड आप अपने बच्चे को 6 साल दूर भेजने को तैयार हैं फॉर नॉन नेपाल, नेपाल में तो भाई खर्चा 60-65 लाख का होगा। ठीक है, आई होप कि आपको हेल्प होगी। आपको अच्छा BDS या अच्छे आयुर्वेदिक होम्योपैथी कॉलेज में जाना है तो वी कैन हेल्प यू इन द एंटायर प्रोसेस, इंक्लूडिंग कि कौन से अच्छे कॉलेज होंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका हमने बहुत सिंपल पैकेज रखा हुआ है 30,000 रुपये, जो कि हमारा एक तरह से MBBS का बेसिक पैकेज है। ओके, सो यू कैन कॉल अस, यू नो द नंबर 9643362320। आपका दिन शुभ हो, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। टेक केयर, बाय।